हाय, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हूं आपका अपना डॉक्टर डॉक्टर नमित कारा। और हैप्पी संडे, और कल है मंडे। मैं क्या बताने जा रहा हूं मालूम है? आज एक न्यूज़ बताने जा रहा हूं, शायद गुड न्यूज़ हो आपके लिए। पहले तो आपको शुरू शुरू में लगेगा ये तो ख़राब खबरें बता रहे हैं सर, लेकिन आगे चल के आपको पता चलेगा कि मैं अच्छी खबरें बताने जा रहा हूँ। पहले बता रहा हूँ आज का आंकड़ा, कि कोविड का आंकड़ा अभी क्या है लेटेस्ट गवर्नमेंट की तरफ से जो बताया गया आज तक। जो मैं बता रहा हूँ मैं कल तक का मिला के बता रहा हूँ, आने वाले कल का, क्योंकि मुझे राउंड फिगर में बताना है आपको। आज तक शायद 90,000 से ऊपर लोग पॉजिटिव हो चुके, तो कल तक का मैं बताता हूँ कि कल तक मैक्सिमम, चलो मान लेते हैं कि 20 लाख टेस्ट हो चुके हैं और 1 लाख लोगों को अगर पॉजिटिव हो गया है तो इसका परसेंटेज आ रहा है 5%। यानी 20 लाख लोगों का टेस्ट किया गया तो 5% के आसपास मोटा मोटा पॉजिटिव आ रहा है कोरोना। तो इसका मतलब क्या कि 130 करोड़ में से 5% का मतलब तो बहुत ज़्यादा हो गया, करीब करीब 6-7-8 करोड़ हो गया। ऐसा नहीं है, क्योंकि ये टेस्ट किए गए उन लोगों के जिनको सिम्टम्स से, जो कांटेक्ट की हिस्ट्री थी या जो बीमार थे, तो उनके टेस्ट किए गए। तो ऐसा तो नहीं ना कि, और वैसे भी हमारे कहीं 10-11 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे अभी कोरोना का एक भी पेशेंट नहीं मिला है। तो मैं ये मान के चलता हूँ कि 5% नहीं तो कम से कम, अगर मैं 0.5% में मान के चलूँ इंडिया को, क्योंकि उसका रीज़न बताता हूँ कि मैंने जब अपने हॉस्पिटल में जहाँ मैं जाता हूँ, तो हमने जो मुझे एक सर्जरी के लिए एक फिटनेस देना होता है, तो आजकल डॉक्टर बिना कोविड टेस्ट के रहे सर्जरी नहीं कर रहे हैं। ये भी एक प्रॉब्लम आ गई है, हर पेशेंट का कोविड कराना पड़ता है जिसका ऑपरेशन करना है किसी भी रीज़न से। तो उनमें से 10 में से 1 या 2 लोगों का पॉजिटिव आ गया। मैं हैरान था, उनको कोई सिम्टम भी नहीं थे, वो सिर्फ सर्जरी के लिए एडमिट हुए थे। तो मुझे लगा यार ये तो एसिम्टोमेटिक पेशेंट, मतलब कि अगर हम 10 का करा रहे हैं, 1 का आ रहा है तो कितने परसेंट हो गया, तो 10% हो गया। तो अगर हम 100 लोगों का कराएंगे तो 10 का आ जाएगा, 1000 का कराएंगे तो इसका मतलब 100 लोगों का पॉजिटिव आ जाएगा क्या? इतना 10% तक फैल चुका क्या कोरोना पूरे हमारे इधर दिल्ली में, मैं दिल्ली की बात कर रहा हूँ। मैंने फिर मोटा मोटा अंदाज़ा लगाया कि यार अगर हम 1000 लोगों को पकड़ के कराएं तो कम से कम 1% को तो निकल ही आएगा, ऐसा मेरा अनुमान है। तो 1% का मतलब क्या हो गया कि इंडिया की 1 करोड़ लोगों को के आसपास लोगों को पॉजिटिव हो चुका होगा। मुझे ऐसा लगता है कि हाँ बिल्कुल हो चुका होगा। कोरोना कब छू के आपको जा चुका होगा आपको पता भी नहीं चला, सच बता रहा हूँ। अगर मैं 0.5% भी मानूँ इसको, उस फिगर को, तो भी वो 70-80 लाख के आसपास आ जाती है अगर 130 करोड़ की पॉपुलेशन है। अब क्या हुआ, अब सरकार ने क्या किया? सरकार ने पेशेंट को जल्दी डिस्चार्ज करना क्यों शुरू कर दिया? पहले डिस्चार्ज किया जाता था कि जब तक 2 टेस्ट नेगेटिव ना आ जाए 24 घंटे के गैप पे, तब तक पेशेंट को छुट्टी नहीं करते थे कोविड के पेशेंट को। अब 3 दिन तक फीवर ना आए तो छुट्टी कर देते हैं, ठीक है। अब पहले 14 दिन तक क्वारंटीन आइसोलेशन में रखना पड़ता था छुट्टी करने के बाद, अब सिर्फ 7 दिन तक रखते हैं। उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि, और साथ में जो लॉकडाउन में ढील दिए जाने वाली है, रिलैक्सेशन देने वाले हैं, हो सकता है पार्क भी खुल जाए, हो सकता है कि आपके रेलवे भी शुरू हो चुकी है, इसका रीज़न क्या है? रीज़न जानते हो क्या है? कि हम एक्सपोज करना चाह रहे हैं दुनिया को, अपने लोगों को इस वायरस के प्रति। हम चाहते हैं कि हाँ ये वायरस हो जाए धीरे धीरे सबको। आप सोच रहे हो कि यार ये कौन सी पॉलिसी है कि सबको हो जाए? जी हाँ, इसको बोलते हैं हर्ड इम्यूनिटी। हर्ड इम्यूनिटी का मतलब होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक प्रतिरोधक क्षमता अपने आप पैदा हो जाती है जब जब ये वायरस 70% पॉपुलेशन को अगर ये इन्फेक्शन कर देगा, तो अपने आप एक हर्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी। हर्ड इम्यूनिटी होती है कि एक प्रतिरोधक क्षमता हमारी बॉडी में हो गई, जिससे कि हम में भी ये वायरस नहीं होगी, लक्षण नहीं आएंगे, ना प्रॉब्लम होगी, ना हम फैला पाएंगे दूसरे वाले को। तो ये हर्ड इम्यूनिटी तभी डेवलप होगी जब 70% पॉपुलेशन को ये बीमारी हो जाए, ये इन्फेक्शन हो जाए। तो फिर आप सोच रहे हो कि फिर लॉकडाउन किया ही क्यों, पहले से ही कर देते। अगर पहले से करते तो रेट इतना ज़्यादा होता, इतना फास्ट होता लोगों के मरने का, कि हम उसको संभाल भी ना पाते। आज हमारे बेड्स जो कोविड में बनाए गए थे, मुश्किल से 2% के आसपास बेड भरे गए हैं। मुश्किल से जितने भी पेशेंट आए उसका 1% लोगों को वेंटिलेटर की जरूरत पड़ी, 3% के आसपास लोगों को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी, सिर्फ 5% लोगों को आईसीयू की जरूरत पड़ी। ये सब इसलिए हुआ कि हमने इसको लॉकडाउन को किया, क्योंकि इस लॉकडाउन से इसकी स्पीड स्लो हो गई। हम इन्फेक्शन चाहते हैं लोगों को हो जाए, लेकिन स्लो हो, एकदम से होगा तो हम संभाल नहीं पाएंगे। समझ रहे हो? नहीं समझ में आए? समझ में तो आ गया होगा आपका। तो हम चाहते हैं कि एक्सपोज करें लोगों को, इसलिए रेलवे खोला गया, धीरे धीरे खोला जा रहा है, इसी तरह से सब ढील दिए जाएंगे धीरे धीरे। और क्यों हम बंद ताले में अब नहीं रख सकते सबको? क्योंकि इस अगर हम बंद ताले में लॉकडाउन करके सोचें कि 1 साल तक हम लॉकडाउन रहेगा, बर्बाद हो जाएंगे। इंसान भूख से मर जाएगा, कोरोना से नहीं मरेगा, सच्चाई ये है।
अभी आप देख रहे होंगे कितने मजदूर बेचारे एक्सीडेंट में मारे गए। और एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि एक्सीडेंट जो पिछले महीनों में कुछ एक्सीडेंट हुए हैं वहाँ पे 32% रेट है, मोर्टेलिटी रेट, मरने वालों का रेट 32% है। आज मैं कुछ बात और बताना चाहता हूँ इस मीडिया के बारे में। हम जो मैं देख रहा हूँ कि सबकी मेंटल हेल्थ ख़राब हुई पड़ी है, लोग घबराए पड़े हैं, हर समय कोरोना का डर सताया जा रहा है, जिनको कुछ भी नहीं था वो भी डर रहे हैं, जरा सा गला ख़राब होता है हमारे मन में डर पैदा हो जाता है। डर किसने पैदा किया? आज मैं आपको एक बात बताता हूँ, मीडिया की खबरें आप सुन के देखो, प्राइवेट चैनल की खबरें सुनो, और एक विविध भारती जो सरकारी चैनल है और एक दूरदर्शन है उनकी न्यूज़ सुनो। आज आपको लगेगा यार ये दूरदर्शन ही ठीक है, पुराना दूरदर्शन जहाँ पे आता था नमस्कार आज के मुख्य समाचारों में, सलमा सुल्ताना जो बताती थी, याद है आपको पुरानी खबरें? आज भी वो अच्छा लगना शुरू हो गया, क्यों? वो क्या बताते हैं? आज के मुख्य समाचार, आज भारत में इतने लोगों को ये कोरोना से आंकड़ा यहाँ तक पहुँचा, इतने लोगों की डेथ हुई और इतने लोग ठीक हो गए, रिकवरी रेट ये है फलाना ढिमका, बस दैट्स ऑल। ठीक है, आगे की खबर। और प्राइवेट चैनल वाले क्या बताते हैं? यहाँ से मिले जागीरपुरी से 50 patient पॉजिटिव, मच गया हड़कंप। बोलने वाला भी ऐसा बोलता है कि बस भाई सामने वाले को हार्ट अटैक नहीं भी होना तो हो जाए। आप क्या सिद्ध करना चाहते हो दोस्तों? मीडिया का काम डराना नहीं होता, ठीक है, प्रॉब्लम है, मानते हैं, ठीक है। अब मैं एक डॉक्टर हूँ, आज मेरे पास कोई पेशेंट आता है, अगर मुझे उसकी बीमारी बतानी है तो अगर मैं उसको डरा के बताऊँगा तो आधा तो वैसे ही मर जाएगा, ठीक है। अगर मुझे उसको बताना भी है किसी बीमारी उसको निकली भी है छोटी मोटी अगर कुछ भी है, तो मुझे उसको बताने का एक ढंग है, मुझे बहुत रिलैक्स होकर उसको बताना है, मुझे उसको डराना नहीं है, वो मेरे पास आएगा ही नहीं। अगर मैं उसको डरा दूंगा, भाई तेरा लिपिड प्रोफाइल बहुत है, बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, कल को हार्ट अटैक हो जाएगा तुझे, बस भैया 6 महीने के अंदर तू ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, तो आएगा मेरे पास? कभी भी नहीं आएगा। और मैं उसको अगर प्यार से बताऊंगा यार लिपिड प्रोफाइल थोड़ा सा है, इसको ठीक कर ले, नहीं तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आती है फिर फ्यूचर में जाके, पता है, इसीलिए कर ले, ठीक हो जाएगा, अब तो अभी से लग जाएगा ना तो ठीक हो जाएगा पक्का। तो ये बताने का ढंग है कि आप उसको किस ढंग से बताते हो पेशेंट को। यही हाल मीडिया का है कि आप किस ढंग से जनता को बता रहे हो। लोगों ने न्यूज़ देखनी बंद कर दी है दोस्तों, आप तो TRP के लिए कर रहे थे सब, लेकिन कई बार कोई चीज़ जरूरत से ज़्यादा हो जाए तो दोस्तों यही होता है, आपने TRP के लिए किया लेकिन या तो लोगों की बोलती बंद हो गई, उन्होंने देखना ही बंद कर दिया। मैं भी यही बोलता हूँ कि अगर आपको डर लग रहा है, वो बोलते हैं न्यूज़ देख ली हमने इसलिए हमें ऐसा हो रहा है, तो मैं बोलता हूँ फिर देखते क्यों भाई, बंद कर दो, क्यों देख रहे हो? आपको हुआ है क्या? आप अच्छी चीज़ें देखो, और देखनी है न्यूज़ तो वो भैया सरकारी न्यूज़ देख ले, वो ज़्यादा बेटर है वहाँ पे जो, और ज़्यादा है तो डॉक्टर्स का शो कभी कभार देख लो जो बता रहे हैं, और वैसे भी इतना हर जगह आ रहे हैं, आप कितने चैनल खुल गए हैं बताने वाले मेरे ऐसे डॉक्टर भी बता रहे हैं, मैं क्या बोलूँ? मैं ये तो नहीं कह रहा कि आप सिर्फ मेरा चैनल देखो, लेकिन हाँ नेगेटिविटी से बचना है तो आपको न्यूज़ देखनी तो बंद करनी पड़ेगी दोस्तों, मुझे नहीं लगता, क्योंकि न्यूज़ वाले आपका इलाज नहीं करेंगे, इलाज आपका डॉक्टर्स नहीं करना है, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगी तो डॉक्टर्स नहीं करना, ठीक है, अवेयरनेस होनी चाहिए, इतनी अवेयरनेस आपको हो चुकी है कि हाथ धोने हैं, सैनिटाइज़र लगाना है, डिस्टेंस मेंटेन करना है, ये सब आपको पता चल गया है। तो मैं तो न्यूज़ चैनल वालों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, भाई प्लीज़ 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 थोड़ा सा बताने का स्टाइल चेंज कर लो, उस डॉक्टर की तरह बताओ जो रिलैक्स होकर बताता है, उस डॉक्टर की तरह नहीं जो डरा डरा के मरीज को मार डालते हैं। तो ये था एक टॉपिक हार्ड इम्यूनिटी के बारे में, कि हमारी इम्यूनिटी, और ये स्वीडन ने भी ये प्रयोग पहले ही किया था, उसने क्या किया था, और जापान ने भी किया, ये उन्होंने लॉकडाउन किया लेकिन इन्होंने रिलैक्सेशन काफ़ी दिया लॉकडाउन में, वो चाहते थे कि लोगों को एक्सपोजर हो जाए धीरे धीरे। तो ये हमारी सरकार भी अब करने जा रही है, अब शुरुआत हो चुकी है, रेलवे से स्टार्ट हो गया है, पार्क खुल जाएंगे, काफ़ी चीज़ें और भी खुल जाएंगी अभी 17 तारीख से, हो सकता है जो रेड स्पॉट हैं जहाँ रेड जोन है वहाँ पे उतना ज़्यादा ना हो पाए, जैसे हमारी दिल्ली है यहाँ पे इतनी फैसिलिटीज अभी भी ना मिल पाए, लेकिन ये करना तो पड़ेगा दोस्तों। हर्ड इम्यूनिटी डेवलप करनी है, अपनी इकोनॉमी को अगर जिंदा रखना है, हर्ड इम्यूनिटी इकोनॉमी और सबसे बड़ी ज़रूरत है इस पेट को, क्या करें यार, जेब में पैसा नहीं होगा, गरीबों का हाल देखो जो सड़कों पे मारे जा रहे हैं, किस तरह से वो लोग अपने घर जा रहे हैं, देख के सच में यार अंदर से ना दिल भर आता है, क्या बोलो। चलो ये था एक टॉपिक हार्ड इम्यूनिटी के ऊपर, और थिंक पॉजिटिव, अच्छा ही होगा सब आने वाले टाइम में, और आप लोगों को बोलूँगा कि डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है, अगर ये इन्फेक्शन आपको लगता है कि हो के चला गया है और आपको 14 दिन से ऊपर हो चुके हैं तो डरने की बात बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों, जितना ज़्यादा ये इन्फेक्शन लोगों को होगा उतना जल्दी हार्ड इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी, सिर्फ बचाना है उन लोगों को, सिर्फ ये भी ध्यान रखना है जो सीनियर सिटीजन है जिनको बीमारियां हैं, सिर्फ उनका ध्यान रखना है, ये ना हो कि हार्ड इम्यूनिटी के चक्कर में ये लोग मारे जाएं, कुछ ना लोग तो डेथ तो होती रहेंगी थोड़ी बहुत, तो इसको तो आप रोक नहीं सकते, लेकिन उनको बचाना बहुत ज़रूरी है, तो उन पे मेडिकल जो निगाह है उस पे बहुत ज़्यादा रखनी पड़ेगी इन लोगों के ऊपर जो सीरियस पेशेंट हैं, जो ऑलरेडी बीमारियों से लड़ रहे हैं,
तो ये था एक छोटा सा टॉपिक जो अभी आंकड़े हैं और क्या मेरा अनुमान है। मेरा अनुमान यही है कि शायद इंडिया में 60 से 70 लाख लोगों को तो मिनिमम ये हो ही चुका होगा, हो सकता है 1 करोड़ का आंकड़ा भी क्रॉस कर चुका हो। बस ज़रूरत है अपने विल पावर की, अपनी मेंटल स्टेट को ज़रा कंट्रोल में रखने का दोस्तों, क्योंकि डरना नहीं है और डरना मना है, मेरे राष्ट्र में तो बिल्कुल भी नहीं। बाय दोस्तों, बाय, शुभ रात्रि, शबा खैर, और आपको अपना डॉक्टर नमित कालरा लेकर आता रहूँगा ऐसे ही छोटे छोटे टॉपिक, आपको डराने के लिए नहीं, आपको हंसाने के लिए, आपको हिम्मत बढ़ाने के लिए। बाय, थैंक यू वेरी मच।